पौड़ी गढ़वाल पहुंचे उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मृतिका अंकिता भंडारी के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दुख की घड़ी में परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। अंकिता की मां ने हरीश रावत से बातचीत में कहा कि न्याय की इस लड़ाई में उन्हें इंसाफ मिले, आरोपियों को फांसी की सजा न्यायालय दे, ऐसी वे मांग करती हैं। अंकिता की माँ और पिता ने बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर उन्हें संदेह है कि वे अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने में जतन कर रहे हैं। मृतिका के पिता ने बताया कि उन्हें संदेह है कि विनोद आर्य के कहने पर ही वंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवाया गया, जिससे सबूत मिटाए जा सके। अंकिता की मां ने कहा कि इन न्याय की लड़ाई में उनके समक्ष चुनौती काफ़ी है। अंकिता का सपना था कि वे गांव में अपने घर का निर्माण करें, इसके लिए वे जॉब के लिए बाहर गई थी, जिस पर अंकिता के पिता ने घर निर्माण की तैयारी शुरू भी कर दी थी। अंकिता के पिता ने कहा, न्याय की लड़ाई में जनता उनके साथ खड़ी है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि अंकिता के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मुआवजे के लिए सरकार परिवार के भरण पोषण के लिए उनकी मदद को आगे आए, साथ ही बेटे को सरकारी नौकरी दे ताकि परिवार आर्थिक संकट से उभर पाए। जबकि जिले में किसी एक संस्थान का नाम अंकिता भंडारी से हो, ऐसी मांग भी परिजनों ने की है। जी हाँ, खतरा हो सकता है, कभी भी मेरे बालक की दौड़ जाता, कभी मेरे बालक का किडनैप कर सकता है, मेरा किडनैप कर सकता है, ये उनसे मेरा खतरा है। तो सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि इनको अरेस्ट किया जाए, विनोद आर्य को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये जगह जगह जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ मिल रहा है कि मेरे लड़के को बचाओ, मेरे लड़के को बचाओ, तो इनको अरेस्ट किया जाए। सबसे पहले उससे मैं संतुष्ट हूँ। अभी जो वंतरा रिजॉर्ट जो टूटा है जिसमें बुलडोजर चला है, उसके पीछे किसका हाथ आप लोग देख रहे हैं? हाँ, तो मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि जो वनंतरा रिजॉर्ट जो होटल तो बुलडोजर तोड़ा गया, किस किस सहमत से तोड़ा गया। हाँ, मैं चाहता हूँ जो तीन वो है, होटल मैनेजर कुलपित आर्य और सौरभ भास्कर मैनेजर, इनका असिस्टेंट अंकित, इनको जो है फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इनको तुरंत कार्यवाही की जाए, और कुलपित आर्य के पिता विनोद आर्य को सरकार तुरंत अरेस्ट किया जाए। और फिर मैं समस्त उत्तराखंड अपने भाइयों से महिलाओं से अनुरोध करता हूँ कि समस्त उत्तराखंड समस्त भारत आरोपियों के पक्ष में वकालत न करे, केस न लड़े। अभी दुख की घड़ी आपके लिए है ये, अभी किस तरह के इंसाफ की मांग आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ, मैं चाहता हूँ जो तीन वो है, होटल मैनेजर कुलपित आर्य और सौरभ भास्कर मैनेजर, इनका असिस्टेंट अंकित, इनको जो है फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इनको तुरंत कार्यवाही की जाए, और कुलपित आर्य के पिता विनोद आर्य को सरकार तुरंत अरेस्ट किया जाए। और फिर मैं समस्त उत्तराखंड अपने भाइयों से महिलाओं से अनुरोध करता हूँ कि समस्त उत्तराखंड समस्त भारत आरोपियों के पक्ष में वकालत न करे, केस न लड़े। सर अभी हमने सामने पत्थर निकाल रखे हैं, तो पूरे हमें पता कि पापा जी यहाँ पे ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा बनाएंगे, हमने कुछ पत्थर निकाले हैं जो कि आप गढ़वाले जानते हैं कि 5-6 चट्टे होंगे वहाँ पे इकट्ठे करके, तुम्हारे हम दोनों ने ठंडियों में इकट्ठे किए हो। क्या सपना था अंकिता का? वो तो का बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक अच्छे उसमें लगूँ, मैं अपने माँ बाप को पैसे इकट्ठे कर दूँ तो रोशन करो, अपने माँ बाप को रोशन करो, भरण पोषण जिस योग्यता के आधार मेरे लड़के की योग्यता उसके आधार पर मेरे लड़के को एक सरकारी नौकरी दी जाए। कि अंकिता ने कहा है कि मुझको एस्कॉर्ट करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कौन है जो हमारी देवभूमि के अंदर वो VIP जो इस तरीके की सेक्स संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है? वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए, वो किसी का चेहरा क्यों ना हो, वो चेहरा दागदार चेहरा है, वो चेहरा बदबूदार चेहरा है, और उत्तराखंड ऐसे चेहरों को माफ नहीं कर सकते। वो उनके पिता एविडेंस नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि बुलडोजर फिरवाने में भी उनका हाथ है, तो जो है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लड़की के पिता चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने उनको एविडेंस से नष्ट करते हुए देखा है, जिस तरीके से CCTV कैमरे के कनेक्शन काटे गए हैं, आदि काटे गए हैं, तो बहुत सारे सवाल उठ गए हैं अंकिता की हत्या के साथ। जो है उनका समाधान तभी होगा जब इसके अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ शासन कठोरता से निष्पक्ष कार्रवाई करे। बाप को ये कहा जाता है जिनकी जिनको बेटी
हुई है, उनसे कहा जाता है तुम्हारी रिपोर्ट बाद में दर्ज करेंगे, ये पहले आए हैं पहले इनकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तो ये कहने वाला कौन, ये कैसा प्रशासन तंत्र है? पहले के पटवारी को जो है जो जो स्पॉट पर था उसको छुट्टी क्यों दे दी गई? बहुत सारे सवाल। हम मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ते हैं, उनकी उनके ऊपर छोड़ते हैं कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी से जल्दी